फ्रेंड्स, घघारी धाम में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इतने सारे मंदिर है। और दोस्तों, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर जो शिव शंभू का शिवलिंग जो है वो अपने आप निकला था दोस्तों। और जिसके वजह से तब से यहाँ पे लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। और फिर चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भोलेनाथ का शिवलिंग जहाँ पे निकला हुआ था दोस्तों। यहाँ पे कहा माना जाता है कि अगर शिवलिंग को आप पूरे हाथ से अगर भर लोगे भाव में तो दोस्तों आपके मनोकामना जरूर यहाँ पे पूर्ण होती है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को ले करके चलता हूँ शिवलिंग के पास में। तो दोस्तों यहीं पे वो शिवलिंग है जो शिव शंभू का पूजा के लिए लोग दूर दूर से आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मनोकामना भी पूर्ण होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से है यहाँ पे शिवलिंग। और ये दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंदी बाबा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नाग जी हैं, और फिर यहाँ पे शिवलिंग इस प्रकार से है दोस्तों। अगर इस शिवलिंग को आप पूरे हाथ से अगर आप भर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे जो भी मुराद आपका मनोकामना मांगेंगे तो ये आपका मांग कर सकते हैं यहाँ पे, और शिव शंभू उनको पूरा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आप इधर देख सकते हैं, पूरे इस तरह पर हरा भरा और एकदम बिल्कुल पहाड़ में है। और इस तरह का इधर व्यू है दोस्तों। और इस तरफ चारों तरफ मंदिर ही है, मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ नंदी बाबा को यहाँ पे बैठाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे पूजा करने के लिए बिल्कुल ही शांत है दोस्तों। यहाँ पे जब देखिए दोस्तों, इस तरह का यहाँ पे व्यू है और चारों तरफ मंदिर है। यहाँ पे पूजा करके दोस्तों शांति काफ़ी मिलती है दोस्तों। और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों यहाँ पे पूजा करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ माँ पार्वती का वास है यहाँ पे। देखिए हम इनका मूर्ति लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे माँ पार्वती को दर्शाया गया है, ये माँ पार्वती का मंदिर है। और दोस्तों इस तरफ और भी ढेर सारा मंदिर दिखाऊंगा इस मंदिर यहाँ पे। और दोस्तों जो भी यहाँ पे नहीं आए हैं वो आ सकते हैं दोस्तों पूजा करने के लिए। बिल्कुल भी बहुत ही शांत जगह पे है, और यहाँ पे पूजा करने के बाद मन को एकदम पूरी तरह से शांति मिल जाती है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे माता दुर्गा का मंदिर है ये। और यहाँ पे अभी पुजारी जी गेट बंद कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यह पूरा तरह से धोया हुआ है दोस्तों। मैं आप लोगों को यहीं से दिखा सकता हूं, अंदर अभी जा नहीं सकते हैं, पुजारी जी पूरा धो दिए हैं। और देखिए दोस्तों यहां का मंदिर का, ये माता दुर्गा जी का मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, ये काली माता का मंदिर है। और यहां पे आप यहाँ इधर से आप देख सकते हो अंदर, यहाँ पे काली माँ का मूर्ति रखा हुआ है। और यहाँ पे आप काली माँ को भी पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों उस तरफ अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हवन वगैरह हो जाता है, यहाँ पे पूजा होता है। किस टाइम पूजा होता है दोस्तों? यहाँ पे शिवरात्रि में पूरे हवन होता है यहाँ पे, इस तरफ आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अभी ढेर सारा चीज दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे चीज मतलब देवी देवताओं का रखा गया है। यहाँ पे लोग आते हैं पूजा करते हैं। और आप लोग अगर नहीं आए होंगे तो यहाँ पे आ करके आप पूजा कर सकते हैं। और बाबा जी देखिए यहाँ पे अभी साफ कर रहे हैं, श्रद्धालुओं ने पूजा किया था तो काफ़ी यहाँ पे फूल वगैरह ये जमा हो गया था, जो एकदम बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा था, जिसके वजह से बाबा जी साफ कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मंदिर के सेवा के लिए हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हनुमान जी का मंदिर है। देखिए हनुमान जी का रखा हुआ है यहाँ पे, पूजा आप यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तीन चार पूरे मंदिर हैं दोस्तों। देवी माँ का मंदिर मिल जाएगा, शिव शंभू के नाम से यहाँ पे फेमस है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि शिवलिंग जो है अपने आप यहाँ से निकला हुआ था कुछ साल पहले। और जब तब से मतलब जैसे जैसे लोग जानने लगे हैं उस तरह से फिर यहाँ पे पूरे प्रसिद्ध होने लगा है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे नए आए होंगे तो एक बार ज़रूर आइएगा दोस्तों पूजा करने के लिए। जो मुराद मांगेंगे दोस्तों वो आपको पूर्ण करे हो जाएगी।
एंड दोस्तों आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा दोस्तों, आगे नीचे की तरफ पूरा झरना है, पूरा पानी का बहाव है कि तो बिल्कुल ये पहाड़ में स्थित है दोस्तों। मैं वहाँ पर जा करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है उस जगह से। और दोस्तों यहाँ पे गुफा है, यहाँ पे भी पूजा होता है दोस्तों। देखिए इस तरह से यहाँ पे गुफा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे गुफा है, यहाँ इसके अंदर जा करके पूजा किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे माता जी हैं और यहाँ पे बाबा जी बैठते हैं और यहाँ पे इस तरह का है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस तरह का व्यू है दोस्तों, पूरा पानी ऊपर से नीचे तक पूरा पानी आता है दोस्तों, पूरा झरना है। और इस तरफ दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर मंदिर है और फिर इस तरफ नीचे इस तरह का व्यू है। यहाँ पे बारिश भी चालू हो गया है और भैया जी अब गाड़ी भी ड्राइव करने लगे हैं। और हम लोग दोस्तों अभी तक हम लोग कुछ खाए नहीं है, तो हम लोग आगे चल के कुछ खाएंगे। और दोस्तों ये आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा ये तो आप लोग बताएं, लाइक और कमेंट से बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कभी नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा दोस्तों, अपने पूरे परिवार के साथ में। और हम लोग दोस्तों अभी टाइम 4 हो गया है और हम लोग अभी यहाँ दोस्तों आगे जा करके साईं मंदिर भी है, तो वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और इसके बाद फिर वहाँ से हम लोग अपने घर के ओर निकलेंगे दोस्तों, खाना वाना खाने के बाद आगे मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद हम लोग आगे कुछ खाएँगे, उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग साईं मंदिर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखिए इसका मेन गेट है, यहाँ पे ये साईं मंदिर है। और यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी व्यू है। तो फ्रेंड्स हम लोग साईं मंदिर में पूजा कर लिए, घघारी के बाद हम लोग का साईं मंदिर लास्ट था। और दोस्तों यहाँ पे यहाँ का व्यू तो आप देख ही रहे हो, कितना प्यारा है यहाँ पे। और दोस्तों हम लोग सुबह से भूखा है, कुछ खाए नहीं है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग खाना मतलब रूम से बना करके लाई हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या बना हुआ है, उसके बाद यहाँ से खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग अपने गांव के लिए निकलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इधर क्या क्या बना हुआ है। तो इडली और चटनी बना हुआ है, भैया जी लेके बैठ गए हैं और हम लोग अभी सब कोई खाने वाले हैं। तो भाइयों देखिए हम लोग इडली और चटनी बना करके ले करके आए थे रूम से। और आप लोग जब इधर आओगे तो आपने रूम से ज़रूर कुछ ना कुछ बना करके ले के आएंगे दर्शन करने के बाद, ताकि आपको आप लोग आसानी से खा पी सकते हैं, उसके बाद आप लोग फिर सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और लाइक नहीं किए तो एक वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल में नया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।